वो सॉफ्ट कलर जो है ना, वो एक्चुअली फैब्रिक पे जब कहीं आप ज्यादा जगह फील करेंगे तो आप ऐसे नॉर्मल कलर फील करेंगे तो उससे वो थोड़ा हार्ड करा जैसा वो फील होता है, बट इस सॉफ्ट कलर से आप कर रहे हैं तो वो एकदम स्मूथ ही आपको पता चलेगा, फैब्रिक की तरह हाँ सर, है ना। वही वो अंजना मैम का क्वेश्चन था कि हार्ड हो जाता है कपड़ा तो कैसे करते हैं। तो यहाँ बॉम्बे में सब मिलता है तो बहुत अच्छा पड़ता है, सब इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, वो चीजें भी मिलता तो अच्छे अच्छा है वो आप लोगों के लिए। तो है। हाँ अंजना जी, कोमल जी, श्रुति जी, गणेश जी, कल्पना जी, मनीषा जी, रूपा जी एंड यशस्वी जी। यशस्वी जी फिर आज बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं, तो आप सबका आज से क्लास में स्वागत है। चलिए, आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट किया है मैं देखूं उसे। यस सर, यस सर। अंजना मैम का पहले ही है और अभी वो ऑन नहीं हो रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है दूर से ही। अच्छा तो है। थैंक सर। हाँ हमें नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख नहीं, रहा है आप उसको। सबको दिखेगा, मैं वही दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर ना बहुत वो जो सिस्टम है बहुत स्लो हो गया है, जिसके कारण कुछ भी चीज करूँ तो वो अच्छे से वो होने में टाइम भी लगाता है। और अंजना जी को अच्छा टाइम मिल जाता है, पूरा कर लिया पेंटिंग। वेरी गुड अंजना मैम, थैंक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा है, यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम। वेरी कलरफुल एनर्जी बना पाई। हाँ थोड़ा सा वही आपने सफाई हाथ नदी बनाने में किया है, उसमें आपने व्हाइट से जो लहर किया वो बहुत दूर दूर में किया, और आप उसमें कुटनी आराम से कर सकती थी लहर नहीं करते हुए भी, अब थोड़ा नजदीक सर। नजदीक। यस सर, वो मुझे, हाँ वो मैं नहीं कर पाई सर, टाइम खत्म हो गया था। फिर भी बहुत ही सुंदर बनाई हैं आप, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं। पीछे के चक्र में भी कुछ आपको अच्छा करना चाहिए था, बट आपने सिंपल किया, यस सर। थैंक बट वेरी गुड, बहुत सुंदर। कोमल यू जी, सर। बहुत बढ़िया, बट फेस फिर भी आपके अच्छे नहीं आए हैं, तो प्लीज फेस पे थोड़ा सा फोकस करें। फेस थोड़ा बड़ा बनाने में क्या जाता है, देखिए आईज आपने इतना बड़ा बनाया है, जो नोज होंठ सब कुछ ले लिया। ये लाइन आप थोड़ा बड़ा दीजिए, नोज के जो लाइन आप डालती हैं वो थोड़ा लंबा दीजिए, बड़ा दीजिए वो। ओके ओके, सर, वेरी ये मेरा गुड, है बहुत सर। सुंदर, उसमें अच्छी। जो बैल है उसको कोई कलर नहीं ना करेंगे। नहीं, बैल के गर्दन में कुछ डिजाइन्स कीजिए बॉर्डर जैसा, और पूरे में कुटनी कर दीजिए। इसके सिंग में आप ब्लैक कलर फिल कीजिए, और यहाँ पे पहले आप कान बनाइए बैल के। बैल के कान कहाँ हैं, इधर कान एक कैसे बनाएंगे। एक का बनाइए, एक का अच्छा यहाँ। रूपा जी वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। और आपने उनको दिखाया भी है, जो उन्होंने दही हांडी फोड़ी है इसीलिए उन्हें बांध दिया गया है, वेरी गुड, थैंक बहुत सुंदर। यू सर। सिर्फ एक जगह मुझे ये लग रहा है, जो देखिए हाँ थोड़ा इस सब चीज से परहेज करें, जैसे देखिए ये आंचल का लाइन आया है, हाँ तुरंत आपने इसी लाइन से आपने पेड़ के भी लाइन को लिया है, या तो इससे पतला ओके लेती हैं या तो इससे मोटा लेती हैं ओके तो वो। डिफरेंशिएट करने के हाँ, लिए। हाँ ऐसे दिख रहा है, ऐसे दूर से ओके मैंने देखा, मुझे लगा ऐसे पेड़ का लाइन आपने डाला, उसके पीछे आपने हैंड्स बनाए हैं, ओके ओके ऐसा सर। मुझे ओके दिखने को सर। लगा जब से वो मतलब वो हुआ है वो। ओके तो सर। कलर करने के बाद फिर वो आएगा, हाँ बट जैसे आपने यहाँ पे लाइन दिए ना, इसके ऊपर हाँ आप वो हाँ डिजाइन डालिए,
जो हम लोग डालते हैं, तो उससे भी वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ओके सर, करूंगी सर। वाव, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जब आपने इनके हाथ में आशीर्वाद बनाया है तो यहाँ पे आप आधा बांसुरी दिखाइए। ये बांसुरी दिखाइए, इधर आप डाउन मतलब इधर नहीं दिखे, और थोड़ा सा इसके नीचे दिखाइए, जो वो कमर में उन्होंने बांसुरी ऐसे कमरबंद में ऐसे रखा बांसुरी रख, हाँ वो रख के फिर उन्होंने ये किया है। तो वेरी गुड थिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच है, अच्छी सोचती हैं आप, सो वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सर। कल्पना जी वेरी गुड। थैंक यू सर। लेकिन कल्पना जी थोड़ा सा ये जो आपने घर बनाया वो घर सिर्फ मुझे एक विंडो दिख रहा है, घर के ऐसे कुछ नहीं दिख रहे मुझे, आप खुद भी देख रही है ना। और आपने ये जो जमीन बनाया वो जमीन आप ऐसे एक लेवल में पूरे ले लेती, समझ रही है बात को। और उसके बाद आपके लीफ बहुत कम दिख रहे हैं और ग्रीन कलर से स्पेस जो आपने बनाया वो ज्यादा दिख रहा है। तो हमें इनके हैंड से इनके ये जो इनका ये है ना ओखली का फेस, वहां तक आपको घना पेड़ दिखाना था, समझ रही है मेरी बात को। हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं। बस तो उसी वही चीज की कमी है, बाकी आपने काम बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही सुंदर काम किया आपने। ओके थैंक यू सर। काम बहुत फिनिशिंग है, अच्छा है, वेरी गुड। वेरी गुड कल्पना जी, अच्छा है। आपने जो पेंसिल स्केच किया है तो इसको आप फाइनल करें और भी अच्छा दिखेगा। ओहो चंदना जी इंक गिर गया, सो वेरी गुड चंदना जी, बहुत सुंदर। बट चंदना जी आप बहुत बैक हैं, सो प्लीज जल्दी जल्दी आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करें। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है जो आपके असाइनमेंट क्यों लेट हो रहे हैं, बट थोड़ा जल्दी करें। वेरी गुड चंदना जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए मैम, चंदना जी ने स्काई ब्लू किया ना, उसके ऊपर फिर लहर किया व्हाइट से। यस सर। आप स्काई ब्लू करके डार्क ब्लू से भी लहर कर सकती थी, या तो व्हाइट रख के ब्लू से भी लहर कर सकती थी। सो वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चंदना जी, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड चंदना जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड चंदना जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। थोड़े से कृष्ण के अकॉर्डिंग शेष नाग का जो फन है वो छोटा हो गया है, ये दो फन मिला के आप एक बनाइए तो थोड़ा बड़ा दिखे। ओके वेरी गुड चंदना जी, डांसिंग पोज को लेके आपने कृष्ण और राधा के एक सीन को क्रिएट किया है जो वेरी गुड, जो कि बहुत ही अच्छा किया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थोड़े हैंड्स पोजीशन जिस तरह से आपके हैं तो उस तरीके से बांसुरी का थोड़ा ये हैंड्स थोड़ा नीचा होता तो फिर बांसुरी के पोजीशन अच्छे होते आपके। श्रुति जी वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू सर। नाइस श्रुति, वेरी नाइस सर। मैंने यहाँ पे देखिए एक दूसरी नाग कन्या बनाने की कोशिश की है। मत दीजिए, छोटी सी दो या नहीं दो? मत दीजिए, आप यही दो रहने दीजिए। ओके सर। हाँ सर, इसके लिए इसको पेंसिल से ही किया आपका सजेशन के लिए। श्रुति जी, श्रुति जी आप भी जो फेस बनाती है ना तो ये जगह आपका भी छोटा होता है। Okay, ये जगह अगर मान ली सपोज दैट मेरे हैंड्स ही तो हैं, अगर बनाते समय आप लोगों के इस लाइन ये लाइन थोड़ा छोटा हो जाता है तो बाल थोड़े ऊपर से बनाइए, वो मेकअप करेगा। ओके ओके सर। वेरी गुड गणेश जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। वेरी गुड, फेस के अकॉर्डिंग बॉडी थोड़ी बड़ी है तो
तो फेस भी थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा दिखता। आपके आपके यार्ड्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बहुत क्लीन वर्क है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। बस आर्ट्स अब नहीं है, गणेश जी के बाद किसी का आर्ट नहीं है। तो हम लोग आज हम लोग क्या करें बताइए, किसी ने कुछ थीम सोचा है? रासलीला सर। हाँ रासलीला कर कर सकते हैं सर। श्योर मैम, श्योर रासलीला आज मैंने भी सोचा था। आज आप लोगों को किस रास? हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मनीषा जी। मनीषा जी आप जो भी लोग असाइनमेंट करते हैं क्लास स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले आधे घंटे पहले डाल दीजिए। जैसे अभी मैंने सभी के असाइनमेंट्स के बारे में बताया, आपका असाइनमेंट नहीं है। मनीषा मैम का सर व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप पे प्लीज मैम, व्हाट्सएप पे मत भेजिए। लॉगिन नहीं हो रहा है सर मेरा। लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्लीज आप संजना मैम सुन रही हैं? नहीं है। आप देव सर को कॉल कीजिए या चिंटू जी को कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। दोनों लोगों से कहा था लेकिन नहीं हो पाया है। मैंने देख लिया है, अच्छा है मनीषा जी, बहुत सुंदर सुंदर वर्क किया है आपने। बहुत ही बढ़िया मनीषा जी, थैंक यू सर। आज हम लोग कृष्ण रास करें है ना? यस सर। यस सर। वो डांसिंग पोज इसमें यूज कर सकते हैं ना सर, वो दैट स्कर्ट को ऐसे फैलाते हुए। हाँ स्कर्ट को फैलाते हुए डांसिंग पोज भी बना सकती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके को भी यूज कर सकती हैं। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ओके सर। Okay. आज के क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। या क्लास द लास्ट क्लास वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल क्लासेस आर इंटरेस्टिंग बट ये ऑल आर। यस देखिए सबसे पहले ये जो कोई भी हमारा स्पेस है उसके मिडिल में बॉर्डर्स बनाने के बाद आप एकदम मिडिल में आप एक सर्कल बनाएंगे। वो आपके मिडिल के अकॉर्डिंग सर्कल होने चाहिए जो आपको चारों तरफ उसके हिसाब से वो भी बनाना है। गोपियां भी बनानी है, गोपियां दैट मीन्स शखा, कृष्ण की जो वो गोपियां हैं महिलाएं, क्योंकि कृष्णदास उन्हीं के साथ उन लोगों ने किया था, उन्होंने इस तरह के सर्कल को हम लोग बनाएंगे। अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में कोई एक लोग, चलिए ये काम कोमल को देता हूँ मैं, कोमल या अंजना मैम कोई एक लोग ग्रुप में इस चीज को डालेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए अभी मैंने एक सर्कल किया, मनीषा जी, कल्पना जी, श्वेता जी, यशस्वी जी, कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप प्लीज बताना मुझे। जितने लोग क्लास में हैं कहीं भी ऐसे आपको लगे जो आपने नहीं समझा या आपको मैंने बताया वो आप समझ नहीं पाए तो प्लीज आप मुझे एक बार जरूर बताना। तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में आप एक सर्कल करें, दो सर्कल करें, आप सर्कल के इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए जो मिडिल में आपके कृष्ण और राधा बन सके। ओके उसके बाद डेकोरेशंस वगैरह करने हैं, क्योंकि देखिए विदाउट वर्क के आप लोग सिर्फ सिंपल काम कर लें वो भी अच्छा दिखेगा, बट एक जो आप जब ज्यादा अपने आर्ट्स में डेकोरेशंस करते हैं वो ज्यादा अच्छा दिखते हैं। सपोज जैसे मैंने ये चीज किया, ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा सर्कल करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो सर्कल किए हैं, अगर आप लोगों के पास स्पेस भरा है तो आप लोग बड़े सर्कल करके 2-3 सर्कल्स कर सकते हैं और सब में अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमें कृष्ण
राधा, कृष्ण राधा बनाना है इस सर्कल में, और इसमें आप जितने बड़े सर्कल होंगे उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे वो रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूँ, आप लोग बड़ा सर्कल होगा 16 भी रख सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं जगह को। ये ऐसे जगह डिवाइड होता है, सब में इसमें मोपियां बनाई जाती है। कॉपी बनाई जाती है सब में, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं क्योंकि वो आपके समझ में होगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे वो मुझे बोलेंगे। कोमल तुम ले रही हो ना? कोमल अंजना मैं माफी ले लीजिए। कोई भी जो जल्दी ले सके वो ले लीजिए। कोमल ने ले लिया, डाल दिया गया। अब मैं इसको हटाऊं? हाँ। अब देखिए, अब हमारा इसके बीच में जो हम लोग कृष्ण राधा बनाएंगे, इसके बीच में जो कृष्ण राधा बनाएंगे वो आप कोई भी पोज में बना सकते हैं। कृष्ण राधा की आंचल को खींच रहे हैं वो, कृष्ण राधा की मटकी को फोड़ रहे हैं वो, या वो दोनों डांस कर रहे हैं डांडिया वो, मतलब कुछ भी। या कृष्ण बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, राधा पनघर पे खड़ी है, ये पूरा भी बना सकती हैं आप, अधूरा भी बना सकती हैं। समझ रही मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप राधा कृष्ण के पोज को बनाएंगी तो आप, अगर आपके पास सर्कल बड़े हैं तो आप उसके पूरे आर्ट को भी बना सकती हैं, या तो आप कमर तक भी बना सकती हैं, बट राधा कृष्ण उसमें बनाना है। आज मैं इतने लेट से खाना खाया हूँ, ऊपर से मुझे चल के आना पड़ा है, मेरी हालत खराब है। मेरी स्कूटी 2 दिनों के लिए खराब हो गई है, वो गया है ठीक होने को, चल के आने से मेरी हालत खराब है आज, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी तक। रेस्ट कर लेते सर। अरे कोई नहीं, यहाँ पे बैठने के बाद तो रेस्ट ही है, बस आप लोगों से बात करना होता है यार, क्या बात रही। ये हाथ चलाना तो मेरे लिए तो ये एक अमृत है, जब तक मैं हाथ ना चलाऊं तो मैं एक दिन खाना भी हजम नहीं होगा। तो आप लोग किसी भी थीम को कर सकती हैं। मैं यहाँ पे एक डांडिया खेलते हुए कृष्ण राधा के पोज को बताता हूँ, ओके। क्योंकि मटका लेके आप लोग बना ही सकती हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, राधा मटका लेके खड़ी है, वो बना सकती हैं या नहीं? हाँ सर, बना, बना सकती हैं। फिर भी मैं एक दो पोज कृष्ण राधा के बताऊंगा। देखिए मैंने इनके फेस को थोड़ा सा झुकाया है, झुकाया है इधर, मैंने इनके भी फेस को थोड़ा सा झुकाया है। बाल में हमेशा डबल लाइन डालेंगे आप लोग प्लीज।
सॉरी इस तरीके से इनके हाथ में आपको डांडिया वाला जो मैंने स्टिक बनाया है उसको दोनों को ऐड करना है। ठीक है ये मैंने दुपट्टा का लाइन लिया है और इनके चेस्ट का भी लाइन हो जाता है ऐसे में। ये सब तो डेकोरेशंस हैं, जितना ज्यादा डेकोरेशंस आप दिखाएंगे उतना ज्यादा आपके आर्ट्स अच्छे दिखेंगे। ठीक है यहाँ मैं इसके भी मैं इनके भी दुपट्टे का वो जगह ले रहा हूँ जिससे इनकी बॉडी भी बनेगी और इनका दुपट्टे का भी लाइन आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग ऐसे कमर बनाएंगे। इनके कपड़ों में आप जितने तरीके के बॉर्डर्स डाल के जितने ज़्यादा अपना वर्क दिखा सकती हैं वो सब सारा कुछ कर सकती हैं। फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, जितना काम करेंगे उतना अच्छा दिखेगा। तो बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए वर्क आपको करना है, आपको इसके अंदर डिटेलिंग्स आपको सोचनी है कितना ज़्यादा बॉर्डर्स करूँ, किस तरह के डिज़ाइंस करूँ, कैसे करूँ जो ज़्यादा अच्छा दिखे, मैं इसमें ज़्यादा वर्क करूँ या नहीं करूँ, वो सब सारा कुछ। और मैं एक चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग्स होगी। इनके ऊपर ये दुपट्टा है जो कि इधर से आया है। पेंटिंग में दो लाइन का क्या मतलब होता है सर? देखिए ये दो लाइन एक्चुअली अगर ऐसे समझा जाए लाइंस के बारे में तो ये दो लाइन जो है वो स्त्री और पुरुष का सूचक होता है। अच्छा। और ऐसे देखा जाए तो उस दो लाइन के मतलब होते हैं कोई भी डिजाइन आप करती हैं तो उस डिजाइन को वो अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग दिखाता है, वो हॉच पॉच नहीं होने देता, आपकी पेंटिंग से खूबसूरती बढ़ाता है। और वैसे अगर इस चीज को ऐसे अगर देखा जाए तो मतलब किसी रूप के जो इस आखिर इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, अगर महत्व के रूप से देखा जाए तो यह स्त्री और पुरुष का सूचक है जो कि साथ साथ चलता है। तभी जाके जैसे स्त्री पुरुष साथ साथ चलते हैं तो एक परिवार बनता है, इसी तरह से इसमें इस लाइन को दिखाया गया है। ये लाइन अगर साथ साथ होंगे तो आपकी पेंटिंग्स अच्छी बनेगी और अच्छी है, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है ये स्त्री और पुरुष की सूचक है ये लाइन। हाँ सर वो मोतीकर्ण मैम है ना वो बता रही थी कि शिव पार्वती है वैसे करके। हाँ वो देखिए जब जैसे स्त्री और पुरुष का सूचक है आप उसे शिव पार्वती मानिए, अपने जो मानिए वो मानिए। हाँ सर सब अपने मन से बना दिया होगा शिव पार्वती।
देखिए हम ये भी नहीं बोल सकते उन्होंने अपने मन से किया है, क्योंकि देख वो लोग इस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मिथिला पेंटिंग्स को दिया है, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, इस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी, ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं वो, तो वो अगर कुछ भी बोले तो सही ही है, आप भी मानेंगी, मैं भी मानूंगा और सबको मानना होगा, क्योंकि उन्हीं के घर से इस पेंटिंग्स को एक्चुअली ये पेंटिंग्स तो थे बट उनके घर से इस पेंटिंग्स का वो हुआ था ना, मीन्स ज्यादा लोग उनके घर से थे, सबसे पहले तो सीता देवी बनाई थी। नहीं अरे ऐसा क्यों, मीन्स इधर में ठीक है, ये डांसिंग पोज देख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। कौन बता रही थी ये? क्या सर? अभी जो आपने बोला है किनके बारे में? मोती कर्ण मैम। अच्छा उनका क्लास वगैरह है था या वर्कशॉप? नहीं सर वैदेही में। अच्छा हाँ वैदेही में आने वाली थी वो। तो वही बहुत लोग वीडियो बनाते रहते हैं ना लाइव, उसी में देखो। ओ मेरा बैड लक देखिए। मेरे लिए तो बैड लक ही है। कोई बात नहीं सर, सोचिए कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा हो। हाँ नहीं फिर भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो कि किसी लिए नहीं दे। एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वो एडमिट थी, जिनके कारण मैंने सोचा था कोई बात नहीं वो उनको मायके शिफ्ट करता मैं, हमें चला जाता, पर जिस दिन 30 को मेरा वो था टिकट और 28 को मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आया था, जो 8 तारीख से इन लोगों की एग्जाम है, तो उनके उनकी तबीयत इतनी खराब थी जो मैंने देखा, जो ये 6-7-8 तारीख तक भी उनके वीकनेस जाते जाते जाएंगे, तो फिर मैंने इसीलिए छोड़ दिया। बराबर है ठीक है। देखिए इस तरह के डांसिंग पोज को मैंने बनाया है, आप इसी तरह के डांसिंग पोज को मैं ये जो मैंने आपको दिखाया ना, आप इस पे भी इस आपने जैसे आपको 8 ऐसे लाइन रखने हैं, इसके बीच में आपको आप वो भी ले सकती हैं गोपी और कृष्ण, क्योंकि ऐसा भी बताया गया है जितनी गोपियां थी कृष्ण ने उतने रूप में आके उन सभी के साथ महाराज किया, डांस किया। तो आप वो भी दिखा सकती हैं और कृष्ण राधा के साथ नाचते हुए गोपी भी दिखा सकती हैं, इसी को रास कहते हैं, है ना? यस सर। सर ये बाहर की तरफ होंगे कि अंदर की तरफ होंगे? बाहर की तरफ। ओके ये जो सर्कल होगा ना, ये जो सर्कल होगा सर्कल के ऊपर इस तरफ से बनाए जाएंगे, एक यहाँ पे बनाया फिर इस तरह से 2-3-4-8 सर्कल, सर पर सर्कल के पेरिफेरी पे होगा ना सर?
देखिए मैंने ये दोनों अलग अलग डिजाइन दे दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जो भी होगा वो दोनों सेम होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दें, ठीक है। दुपट्टा है तो दोनों तरफ दुपट्टे में बॉर्डर्स दोनों तरफ सेम होंगे, ओके। जिस जिस में मैंने सर्कल दिए है ना, उस जगह को आप लोग सर्कल छोड़ के बाकी जगह को फील करें, और जो जगह में सर्कल नहीं है उसमें हम लोग, जैसे अगर आप इसमें ब्लैक से भी कचरी कर सकती हैं, अगर सपोज आपको रेड डालना है इनके घाघरे का कलर तो इसमें ग्रीन से भी कचरी कर सकती हैं, ऑरेंज डालना है घाघरे का कलर तो आप उसमें ब्लू से भी कचरी कर सकती हैं। यहाँ पे ब्लू को हार्ड कलर, मिथिला पेंटिंग्स में कुछ हार्ड कलर माने जाते हैं, कुछ सॉफ्ट कलर माने जाते हैं। हार्ड कलर में आता है ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ये हार्ड कलर में आता है, ओके। और ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, ये सब सॉफ्ट कलर में आता है। तो ज्यादातर आप कोशिश करें हार्ड कलर से कचनी करें, सॉफ्ट कलर का फीलिंग्स करें, तो वो आपकी पेंटिंग्स अच्छी होगी और अच्छी दिखेगी। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, और इसमें आप सर्कल छोड़ के बाकी जगह कलर करिए, देखिए कितना खिल के आएगा ये डिजाइन। मेरा वीडियो ऑन हो गया। ये सब डिजाइन्स हैं, डिजाइन्स में मैं उतना क्या बताऊं आप लोग। देखिए इस तरह से आप लोग कर सकती हैं, और अगर आपको मान लो सपोज दैट आपको चोटी बनाना है आगे की तरफ, तो आप लोग यहां से ऐसे पहले चोटी का लाइन ले लेंगे, ऐसे भी चोटी बना सकती हैं आगे की ओर, नहीं तो जैसे आपका यहाँ जूरा है तो ये चोटी आप यहाँ भी ऐसे दिखा सकती हैं, जो भी अच्छा। देखिए ये सब चीज है क्या सोचने की, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से मूव है, तो इनके बाल को अगर लहराऊं तो मैं किस तरह से लहराऊं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा सोचेंगे ना तो वो आएगा, ओके। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और बनाइए, उसके बाद में आप लोगों को कुछ कुछ और बताऊंगा। सर ये आप पोर्टल में डालेंगे सर? हाँ ये मैं पोर्टल में डालूंगा। ओके सर। सर मैं आज नहीं बना पाऊंगी सर, मैं कोई बात नहीं मैम, ओके ओके, थैंक यू सर। कहीं किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम है? सर लाइन वर्क किसको बोलते हैं सर? लाइन वर्क कौशिक सर का जो वीडियो देखा, किसका? कौशिक सर का वीडियो हम लोग ने जो यूट्यूब भेजा था लिंक, अच्छा वर्कशॉप के लिए, उसमें सर बोल रहे थे कि
कोई लाइन वर्क पे जाता है तो लाइन वर्क क्या होता है सर? बताता हूँ मैं, बताता हूँ आपको, ऐसे बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए। मैं आपको एक पिक्चर्स भेजता हूँ, मेरा बना हुआ है। ओके। उसके बाद आप सब लोग देखेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। सर डेली आप कितने आवर्स बनाते हैं सर? कौन आप सर? देखिए ऐसे मैं कितने दिनों से बनाता हूँ ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि शायद मैं बचपन डेली डेली कितने अच्छा डेली 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 नहीं ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक महीना भी नहीं बनाता हूँ, मैं पूरे दो साल पे पिछले साल वैदेही पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, पूरे दो साल के बाद पेंटिंग्स बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है सर। रोज हम लोग के क्लास में बनाते हैं वो तो ऐसा तो मैं रोज 6 घंटा बनाती हूँ। वही पूछ रही थी सर की ऐसे तो मैं रोज बनाता हूँ, 2 क्लास आपके, 1 क्लास आपके हुए, 1 क्लास और है, और घर पे भी कुछ बच्चे होते हैं और मेरे माइंड में जब भी कुछ डिजाइन आया अगर ऐसा हो सकता है तो थोड़ा सोचता हूँ करके देखूं। सर फाइन आर्ट भी बनाते हैं आप? नहीं पहले बनाता था, अब फाइन आर्ट बहुत दिनों से नहीं बना रहा। सर पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ? हाँ पोर्ट्रेट वगैरह बनाता था पहले, अब तो बहुत दिनों से बनाया ही नहीं है मैंने। अच्छा सर आपको पता है, आपको ना कोमल ने पूरा ढूंढ लिया सर, आपके पेंटिंग्स कहाँ बिक रहे हैं सब पता है सर उसको। क्या? हाँ सर आपको पूरा स्टॉक कर लिया आप कोमल ने, आप कहाँ क्या बेच रहे, वो इंडियन फोक आर्ट गैलरी है ना कुछ, हाँ हाँ पे आपने अपना रखा है सब कोमल ने देख लिया सर। अरे इंडियन फोक आर्ट गैलरी वाले मुझे बोल रहे हैं आप 3,000 रुपए पेमेंट कीजिए तो आपके पोस्टर्स यहाँ से बिकेंगे ये वो दिस दैट। मैंने नहीं पेमेंट्स किया ऐसे थोड़ी बिकेंगे, 3,000 देंगे तो ही बिकेंगे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो मैं आपके अपने गैलरी में आपके पेंटिंग्स को रखूंगा और मैं 6 मंथ का वो लूंगा और आपके 6 मंथ में सभी पेंटिंग्स बिक जाएंगे। ये सब सर झूठ बात है, ये सब मैंने दिया ही नहीं। 6 मंथ में कैसे बेच देगा वो सारा? और ऐसे वो 70-85 आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। हाँ सर वो बहुत आर्टिस्ट है उसमें, अवधे सर भी है। हाँ है सब है, बहुत लोग है उसमें। मैंने इसको असाइनमेंट में डाल दिया है ठीक है, आप लोग वहां देखिए बनाइए और मैं अभी आपको एक भेजता हूँ। अभी मैं भेजता हूँ एक आप लोगों को अपना बना हुआ आर्ट, उस आर्ट को देखेंगे आप लोग। और अभी वैसे अभी जो मैंने वैदेही में अभी भी जो रिसेंट भी दिया है वो भी लाइन पेंटिंग्स ही है। ओके सर उसमें लाइंस का ज्यादा यूज हुआ होगा ना? कचनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कचनी करें, फीलिंग्स का काम ना करें। नाकार करने का मतलब है थोड़े थोड़े छोटे छोटे जगह फीलिंग्स कर सकती हैं, बट तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कचनी का काम हो उसी को कहते हैं लाइन पेंटिंग्स। ओके। और ये कचनी भरनी जो फिक्स हो तब कचनी भरनी करके जो बनाते हैं ये एक अलग स्टाइल होता है, लाइन पेंटिंग एक अलग स्टाइल होती है। सर तो आरती का भी आर्ट निकाल लिए थे सर वैदेही में, क्या है उसका आर्ट? बहुत जीनियस हो। आरती का इंटरव्यू भी था वैदेही में। अच्छा नहीं वो तो नहीं देखे, लेकिन उसका आर्ट कौन सा था ना वो निकाल लिए थे सर। मैंने नहीं देखा आर्ट। अच्छा सर ग्रुप में वो अधूरा पेंटिंग्स बना के भेजी थी एक बार। अच्छा, पूछना था उनको तो, बट वो जब फाइनल हुआ उसका पेंटिंग्स मेरे पास नहीं। अच्छा मैं 2 आर्ट भेज रहा हूँ, एक गणेशा है और
एक माता सीता, दोनों पेंटिंग्स लाइन पेंटिंग ही है। ओके okay. कचनी का वर्क ज्यादा है, कचनी का ही वर्क है। ये पेंटिंग पूरा कचनी का ही है सर। हाँ, कनेशा में बहुत सुंदर है। ओ, ये सीता माता की। वेरी नाइस सर। और उस कैनवास को मैंने जो बनाया था, फेस के अलावा आपको कैनवास नहीं दिखेगा। उनकी बॉडी जहां जहां दिख रही है, माता सीता की, लवकुश की, राम जी की, उतने ही जगह आपको कैनवास दिखेंगे, नहीं तो आपको कहीं भी कैनवास नहीं दिखेगा। हाँ, बहुत इंट्रिकेट वर्क है सर, फाइन लाइंस। पूरे 10 दिन लगे थे बनाने में। और ये लाइंस आपने ब्रश से ही किया सर? हाँ, टोटल ब्रश से, नीब मैंने यूज नहीं किया। ब्यूटिफुल सर। सर ये पेंटिंग के देख कर लाग रहा है कि बहुत मजल कलाकार के लिए है। धन्यवाद धन्यवाद। सही कह छिए। सही कह लिए। नहीं यो ठीक छे ने, सही कह लिए, कहि छिए, कहि छिए, कहि छिए। कहने का सेंस होता है, आपको इज्जत देना होता है, रिस्पेक्ट देना। सर अभी हमें भाषा पर लर्न करना ही बाकी है। कोबर में हम आधे बिहार के हो गए। तो फिर चलिए, आप आधा आधा अधूरा तो कुछ मत होना है। हम लोग इस क्लास को खत्म करने के बाद 10 दिनों का कोमल और मैं मिलके आप लोगों को मैथिली भी सिखा ही दे। कोमल बहुत खुश होगी। हाँ, हमारा तो बहुत खुशी है। हाँ सर, सिखा दीजिए, अभी वही बाकी है। बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है कि हमारी भाषा सब सीख रहे छथिन। बहुत ऐसा लगता है जैसे कि हनी टपक रहा हो। इतनी मिठास है इस लैंग्वेज में। द वे दे स्पीक नो, ऐसा लगता है जैसे कि एकदम हनी फील्ड वॉइस है। ओके नाइस। आप लोग बात देखिए, अंजना मैम को असाइनमेंट नहीं करना है, वो बातें करेंगी, बट आप लोग बातें करते कर बातें करने के साथ साथ असाइनमेंट भी करिए। सॉरी सर, पूरे दिन बहुत भाग रही थी इसलिए बहुत थक गई। हम लोग उधर, हम तो इधर शुरू करते हैं, श्रुति जी बनाना शुरू करती हैं। हाँ श्रुति कंप्लीट। ऐसा नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं पूरा देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा ये बड़े राधा बड़ी हो गई थोड़ी। हाँ सर, वो राधा बड़ी थी ना सर, कृष्ण से। वो ठीक है, बस वो एक स्टैंडर्ड एट में आके हुआ था ना कृष्णराज। वो जो गणपति का आर्ट मैंने भेजा है श्रुति जी, वो पिछले, वो उसका पूरा पिक्चर नहीं है मेरे पास, वो एक्चुअली मैं देखता हूँ पिक्चर कहीं हो पूरा तो मैं भेजूंगा आप लोगों को। एक्चुअली मैंने एक्चुअली मैंने वो सोच के बनाया था जो गणपति का टाइम था, और उस समय मैंने सोच के बनाया था 4 मूसक हैं जो कांधे पे उस गणपति को उठा के ले जा रहे हैं। तो वो मूसक भी एकदम धोती चादर ऐसे पहने हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज पूरा जेंट्स आदमी की तरह है, और वो गणपति को ले जा रहे हैं पूजा के लिए। तो ऐसा ऐसे सोच के मैंने बनाया था, और वो मेरा बना भी नहीं कि वो उसका बिकने का वो आ गया जो ये मुझे चाहिए। वाह, लेकिन सर इतना अच्छा वर्क देंगे तो कोई भी ले लेगा ना। हाँ। बहुत सर, कब जा रहे हो सर आप बॉम्बे? श्रुति भी बोल रही थी। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा अभी, एक्चुअली मैंने टिकट के लिए दिया है। ओके पीछे से अब हो सके तो पक्का मैं भी आऊंगी, आप सब लोग से मिल सकते हैं। अंजना यू ऑल्सो कम।
ठीक है, सब लोग आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। आ जाओ। क्यों सब लोग आ रहे हैं? नहीं देखूंगी सर, श्रुति बहुत बुला रही है। क्या देखना है, आ जाओ यार। वो तो है। सर आप कहाँ रुकने वाले हैं? कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ भी रुकूंगा। और अर्पिता और वो भी बहुत ज्यादा बोल रही हैं, नहीं सर आप मेरे यहाँ रुकना। श्रुति सुब्रमानी है मेरी एक स्टूडेंट, वो भी बहुत जिद कर रही है, सर अगर आप आओगे तो मेरे यहाँ आओगे तो फिर नहीं तो मैं आपसे नहीं मिलूंगी, ऐसे करके। अब देखिए आप सब लोग तो है ही ना, मुझे क्या परेशानी है बताओ। हाँ, वो तो है सर। तो ये लोग तो एक मेरी और स्टूडेंट है कीर्ति मूल्य, वो भी वही है। फिर एक है बहुत एजेड है, हेमलता जी, नहीं नहीं हेमावती मैम। हाँ हेमावती मैम। हाँ हेमावती मैम है, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आने को। चलो देखते हैं किसके यहाँ रुक रहे हैं, मिलेंगे तो सबसे। बस श्रुति कहाँ पे रहती है बॉम्बे में? वो मुझे नहीं पता। बोरीवली। ओके बोरीवली में रहती हूँ। मैं पनवेल में 6.5 साल रही हूँ। पनवेल बहुत दूर है मेरे से। हाँ पनवेल में ONGC कॉलोनी था। मैं बोरीवली गई हुई हूँ, पूरा बॉम्बे हर जगह पे गई, 6.5 साल रही। तो रचना जी तो वहाँ रहती है ना, कांदीवली? नहीं सर, वो बोरीवली मेरे से मतलब थोड़ा दूर। अच्छा। हाँ उसका कांदीवली बोला जाता है एरिया। हाँ, तो मेरे से 5-10 मिनट का गैप है। अच्छा। चल के नहीं सर स्कूटर पे? चल के जाएंगे तो 15-20 मिनट्स में आ जाता है रचना का घर। बॉम्बे में घर कितना महंगा है? बहुत। पैसा वाले के लिए मैम हर जगह बढ़िया है, आप जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए हर जगह बढ़िया नहीं है। हर जगह महंगा है। यहाँ पे पैसे वाले का भी बहुत तकलीफ। जस्ट डोंट अग्री विद यू कोमल। बॉम्बे में, दिल्ली में आप घर ले सकते हो थोड़ा रिमोट में जाके। बॉम्बे तो पूरा इतना महंगा है ना, बॉम्बे इज टू एक्सपेंसिव। एक बेडरूम हॉल किचन लेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर, मतलब 1.25 जितना पकड़ आएगा। हाँ 1 करोड़ हो ही जाता है 1 बेडरूम का। हाँ वही तो। And that too, not in a very prominent locality, no? It's like that. Okay. No, it's in prominent locality. Prominent locality, okay. फिर आपको, हाँ हाँ, अगर ऐसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत 19-20 वाला भी मिल जाता है अगर अच्छा लोकेलिटी नहीं लो या कुछ तो। बट अभी बॉम्बे में सब अच्छी लोकेलिटी हो गई है, पूरा मतलब डेवलप हो गया है। It's a very relative term, no? Everything is very self-sufficient हो गया ना। ये ऑनलाइन वालों ने तो मतलब पूरा नॉर्मली कर दिया। सर प्लीज आप मेरे देखिए सर। सेम प्रॉब्लम। रूपा सेम प्रॉब्लम। शैडो नहीं, कृष्णा छोटे हो गए राधा से। यस यस हेलो रूपा सेम ही बनाते। गलत बना रहे हो सर को, बोले हो राधा बड़ी है कृष्ण छोटे। अरे सही बात है, राधा बड़ी है। इसी तरह से ना सर छोटे हैं, बाकी आप सब बड़े हैं। ठीक है सर। हाँ अच्छा है। ओके, बस वही प्रॉब्लम है जो आपको फीडबैक तो मिल गया है। हाँ तो आपको फीडबैक मिल गया है, श्रुति ने दिया है वो सही है, तो आप उसको ठीक करें। श्रुति को बात को मानिए और उसको ठीक कीजिए। ओके सर, ठीक है सर। क्या
आप बोले ना सर छोटे, आप लोग बड़े, हम छोटे हैं सर। हाँ, आप छोटी, हम छोटे हैं सर। हाँ, आप छोटी हैं। छोटी हो लेकिन ज्ञान जितना है ना तुमको मिथिला आर्ट का, इतने लोगों को पहचानती हो, माय गॉड। वो तो है, मिथिला की है मैम, तो क्या बोले। तो तुम्हें शुरू से इसमें इंटरेस्ट था क्या? तो फिर तुम इसी में करती ना शुरू से, तुमने दूसरे दूसरे क्वालिफिकेशन क्यों लिया? इंटरेस्ट और भी बहुत कुछ था, वो सब करने के बाद अब लगा कि अब आर्ट करना चाहिए। अच्छा, कोमल आप कहाँ से हैं एक्चुअली? सर हम मेरा गांव पड़ता है बेनीपट्टी, सुने हैं सर? हाँ हाँ सुने हैं, क्या देखे हैं भाई? हाँ, बेनीपट्टी में धगजरी है ना, वो मेरा गांव है। अच्छा, और मामा गांव हुआ मधुबनी में, मधुबनी में अमादा गांव है, वो मेरा मामा गांव हुआ। बट हम मेरा जन्म और अपब्रिंगिंग जमशेदपुर में हुआ, टाटा नगर में। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई? शादी के बाद फिर इधर बेंगलोर। शादी सहरसा हुई है सर, लेकिन हस्बैंड यहाँ कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए इधर आ गए। चलिए, दो लोगों का आया, आप लोग भी जल्दी जल्दी सबमिट करें। सर हम भी आज अभी नहीं कर पाएंगे सर, चार्ज भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तो करना चाहते हैं वो लोग जल्दी करें, तो फिर मैं आगे आप लोग को टिप्स बताऊंगा कैसे करने हैं, किस तरह के डिजाइनिंग होना है। सर ये वर्कशॉप के बारे में क्या और जानकारी है क्या सर? कौन सा वर्कशॉप? वो कल लिंक भेजे थे ना देव चिंटू जी ग्रुप पे, वो 100 रुपीस अ डे ऐसा कुछ वर्कशॉप है क्या सर? हाँ है, तो हाँ थोड़ा इंफॉर्मेशन और मिलेगा सर? हाँ, इन्फॉर्मेशन देखिए, जब वर्कशॉप करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट लोग आएंगे, जो आप लोगों को जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, तो हर आर्टिस्ट के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग करने का वो है, सारा कुछ अलग अलग है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो अलग ही बताएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा ही बताएंगे। ओके, एंड कोई स्पेसिफिक थीम्स होगा जैसे बॉर्डर्स जैसे? कोई ना कोई कुछ अलग, और उसका जो उसका अपने खुद का जो स्पेशल पार्ट है, स्पेशल स्पेशलाइजेशन जिस चीज में, वो चीज आपको बताया जाएगा। ओके ओके सर। सर तो कौशिक सर क्या करते हैं सर? सर वो तो आर्ट प्रमोटर है ना? हाँ, तो वो तो नहीं बेचेंगे, मतलब वो तो नहीं सिखाएंगे ना सर? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। थ्योरी एग्जाम भी होगा ना? मेरी आवाज आ रही है अंजना मैम? नहीं आ रही सर। आ रही है अंजना? आपने फिर आपके मोबाइल में देखिए कुछ। सर थ्योरी एग्जाम भी होगा ना? हाँ हाँ। हम कॉपी कर लेंगे। थ्योरी में थ्योरी होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, गोबर में सूर्य और चंद्रमा का क्या महत्व है बताएं। ओके, तो यही सब चीज जो मैंने आपको बताया है। हाँ। गोबर में बनाए जाने वाले जलचर के नाम लिखें। ओके, तब तो सबको मार्क्स आ जाएगा सर। हाँ, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, आपको जो नहीं बताया गया है वो क्यों उसके क्वेश्चन पूछेंगे जो मार्क नहीं आए इसीलिए, या जो मैंने बताया वो आप जो पढ़ेंगी क्वेश्चन तो उसी के होंगे ना। कोमल का तो टेंशन ही कुछ अलग है। सो वही देखिए श्रुति जी, आप एक बात बताइए। हमें भी टेंशन हमारा बढ़ जाता है। नहीं, एक बात बताइए, आप जितना पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम तो उतने ही क्यों होने चाहिए ना? हाँ, स्कूल में भी हमारे जो एग्जाम होते हैं पहले 3 मंथ्स के जो एग्जाम होते हैं, तो जो भी चैप्टर्स होता है 3 to 5 chapters, 1 to 5 chapters उतने पढ़ाए जाते हैं, उतने ही क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम होता है, उसमें 5 to 7 कुछ ऐसे होता है, तो पूरे से मिला के होता है। फिर थर्ड एग्जाम, फोर्थ एग्जाम होता है फाइनल, उसमें पूरे बुक से होता है क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ चुके होते हैं। तो जितना पढ़ेंगे क्वेश्चन तो वही होगा और वही होने चाहिए। सर
हाँ कल्पना जी, जय सर। कहाँ भेजा है आपने? व्हाट्सएप पे। नहीं कल्पना जी, बॉडी लैंग्वेज कमर से नीचे बहुत छोटा दिख रहा है। ये दोनों का? दोनों के, दोनों के। ओके सर, ठीक है सर। कमर से ऊपर सही है या नहीं? कमर से ऊपर ठीक है, कमर से नीचे जैसे हैंड्स बड़े बड़े हैं तो कमर से नीचे का जो पोजीशन है वो छोटा है, तो उसके ऊपर ठीक है। आप कमर से नीचे के पोजीशन को ठीक कीजिए, अच्छा है। ओके चलिए, जिनका बनेगा वो बीच में मुझे दिखाएंगे, बाकी मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ओके सर। देखिए, सपोज ये जो सर्कल मैंने बनाया है उसको मैं आपको ऐसे हाफ में दिखा रहा हूँ। ओके ओके, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये जो भी डिजाइन है, जो भी है, ये सर्कल है, बट इसके में छोटे से पार्ट में आप मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें आपको कृष्ण राधा बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी डिजाइन्स वगैरह है वो तो डिजाइनिंग की बात है, मैं ऐसे आपको क्या बताऊं। जो मैंने पहले बताया था लाइनिंग्स के बारे में, इस तरह के लाइनिंग्स होंगे, हम लोग बीच में रखेंगे लाइंस को, है ना? यस सर। तो हम लोग इस तरीके के लाइंस को ऐसे सबसे एक दूसरे से ऐड करते जाएंगे, एक जैसा होना चाहिए। उसके अंदर हम लोग ऐसे बॉर्डर्स करेंगे, डबल लाइन डालने के बाद इस तरीके के बॉर्डर्स को करेंगे। ओके सर। ओके यस सर। यस सर। अभी मेरे आड़े टेढ़े हो रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको देखिए, हम लोग इसमें ऐसे खड़ी महिला भी बना, नहीं सॉरी, ऐसे जो आपने बताया मैंने डांसिंग डॉल वो वाला, देखिए हाँ जो दोनों डांस कर रहे हैं, ये डांसिंग डॉल मैंने बताया, स्कर्ट को पूरा फैला हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हैंड्स हैं। yes. आप इसमें स्कर्ट्स भी दिखा सकती हैं अपना ऐसे, या ये जो आपका सर्कल गया है ना, आप उसमें भी ऐड कर सकती हैं ऐसे। ओके okay. ये इनका घाघरा दिख रहा है, ऐसे में क्या होगा, ये बॉर्डर्स फिर आपको बनाने का मन है, इसके अंदर कोई डिजाइनिंग करने का मन है, कितना ज्यादा डिजाइनिंग कर रहे हैं, कितने जगह को आप फील कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके सर। देखिए, ये एक महिला बनी नाचती हुई, यहाँ पे इनके जूरा बनाएंगे, फिर ये बाल और इनके ऊपर इनका दुपट्टा, दुपट्टा इस जगह पे कोई फ्लावर्स हम लोग बनाएंगे और फूल पत्ती से इस जगह को फील करेंगे। okay. या तो आप कोई छोटे छोटे फ्लावर्स बना दीजिए जगह जगह, आप पूरे बैकग्राउंड को ही फील कीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रही हैं, है ना? यस सर। इस तरीके से हम पूरे में डांसिंग डॉल बनाते जाएंगे सर।
एक बात पूछूं सर? हाँ हाँ पूछिए। वो एक लेडी एक गोपी का इस तरफ देख रही है, दूसरी गोपी का इस तरफ, ऐसे भी बना सकते हैं ना सर? देखिए ऐसे भी बना सकती हैं, वो पेयर्स में हो जाएगा तो वो भी बना सकते हैं, बट सब एक तरफ बनाएंगे ना तो वो उल्टा सीधा नहीं दिखेगा। जब कृष्ण राधा तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि कृष्ण राधा जो ट्रेडिशनल है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। ओके ओके ओके, एक ही डायरेक्शन में दिखते हैं। हाँ ओके सर, ओके सर। इस तरीके से आप आपके पोस्टर जैसे सपोज जाती है, मेरा बैक इतना बॉर्डर्स बनाने के बाद मेरे ये जगह बचे हैं, तो इसमें आप बर्ड भी बना सकती हैं, छोटे छोटे तुग्गा। हाँ फिर इधर से फूल पत्ती को भी निकाल सकती हैं इस तरीके से, या तो यहाँ पे आप फूल पत्तों से पूरा फील कर सकती हैं। तो इस जगह को भी हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लें। इसी तरीके से इधर भी बनेंगी, मैं बताऊं या बस आप समझ गई? समझ गए सर। ठीक है चलिए, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिए सर, भेज भी दिए। अरे वाह, ठीक है इसको मैं डिलीट इरेज करता हूँ। और अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए ये है, इसमें भी आपको डिवाइड करना होगा। जैसे उसमें मैंने 8 दिए तो 8 के बदले आप 16 करेंगी, थोड़ा देखिए कितना कितना मैंने स्पेस लिया उस हिसाब से। ये सिर्फ ऐसे ट्रिक मार्क्स करने हैं आपको, इस तरीके से सिर्फ मार्क्स करना है। क्यों करना है वो देखिए, जैसे मैंने ये एक महिला बनाया, ठीक है ये दूसरी महिला, ये एक इसका भी एक हम लोग सर्कल ले लेंगे हल्के से पेंसिल, जो कि मैं मेरे इस लाइन को ये ओवर ना करे। है ना? Yes, sir. Yes. इसमें, आप इसमें इस तरह के फ्लावर्स ले सकते हैं, इस तरह के फ्लावर्स ले सकते हैं, फिर इसमें आप लोग लीफ फूल पत्तों का, फिर यहाँ आएगा, फिर ये एक यहाँ बनाएंगे हम महिला, कल्पना जी आप लोग का कृष्णदास हो गया था क्या? नहीं सर, हम लोग का ये सब कुछ नहीं हुआ था, सीता स्वयंवर भी अभी नहीं हुआ था, ये सब भी नहीं हुआ था। अच्छा चलिए, आप लोग बैक वाला वीडियोस देखिए, उसमें से जो भी आप बना सकती हैं बनाइए, कहीं भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग आप मुझे बताना और हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके सर, उन लोगों का थीम नहीं हुआ था ना, तो वो लोग का नहीं हुआ थीम, अर्पण हो रहा था उन लोग का सर। देखिए इस तरीके से हम लोग डेकोरेट करेंगे। अगर okay, आपको sir. इस तरह इसके ऊपर आपको ऐसे सर्कल डायरेक्ट ऐसे सीधा रखना है तो हम लोग सीधा सर्कल रखेंगे, एक दो बॉर्डर्स करेंगे उसके ऊपर डिजाइनिंग्स करेंगे और हमारे ये कृष्णदास कंप्लीट होगा। अगर नहीं okay. हमें अगर अगर हमें ऐसे नहीं रखना है तो जैसे यहाँ से मिडिल के पास
ये लोटस बनाने से पहले, इसके मिडिल के डिजाइन को बनाने से पहले हम लोग को करना होगा ये डिजाइन इस तरीके से। अब इसमें आप लोग जो भी डिजाइन इधर ले जाना है उस डिजाइन को उधर फूल पत्तों का समावेश कर सकती हैं, जैसे आप लोग को इसके डिजाइन करने हो। ठीक है? Yes, sir. इसी तरीके से सारा कंफर्म होता जाएगा। ठीक है? कपड़े आदमी महिलाएं तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, इसको भी नोट करें। भेज दिए सर स्क्रीनशॉट। कितना तरीका हुआ? दो तीन। अगले असाइनमेंट में मुझे सब चाहिए। ये हो जाएगा इतना सर हो गया सिर्फ मैं उतना अच्छा मैं उतना बता दूं बट आप लोगों से उतना नहीं होगा। मैं उतना बताऊं वो होगा लेकिन आप लोगों से सिर्फ आप लोग स्केच करके भेजेंगे नहीं होगा। अच्छा चलिए नहीं नहीं जो ही मैंने वो तरीके बताए हैं आप लोग को एक तरीका जिनको जो अच्छा लगे। ठीक है? सब लोग अपने अपने तरीके से बना के सबमिट करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना डांसिंग पोज का है ना। कृष्णा सभी गोपिका के साथ डांस कर रही है ऐसा? हाँ ऐसा मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे आंचल वाला बनाएंगे वो भी अच्छा दिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए जितने बार आप ये चीज बनाएंगे ना उतनी बार आप देखेंगे क्या इधर भी दोनों के हाथ से डांडिया टच हो रहे हैं। ओके इन दोनों के भी हाँ टच एकदम टच नहीं होंगे लेकिन फिर भी ऐसे लगेगा सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं सर्कल डांडिया तो उनको क्या बताना वो तो उन लोगों का तो सबसे बेस्ट है श्रुति जी। हाँ, देखिए ऐसे होता है ना वो एक सर्कल में जब खेलते हैं डांडिया तो सब एक दूसरे से टच में होते हैं। हाँ, देखिए इन तरीके से आइए फिर नाचती हुई गुड़िया को फिर आप ऊपर बना सकती हैं। तो इस तरीके से भी दो तीन रो बना सकती हैं। समझ रही हैं? ओके यस सर यस सर। अब जैसे आपने एक छोटा सा नाचता हुआ नाचती हुई गुड़िया का वो बनाया इसके ऊपर आप इसके ऊपर आप मोर का रो बना दीजिए। फिर एक सर्कल को कवर कीजिए फिर उसके ऊपर नाचती हुई गुड़िया बनाइए या ऐसे डांसिंग डॉल बना डांडिया खेलते हुए बनाइए। तो वो एक तरीका है आप जितना ज्यादा बनाते जाएंगे जैसे जैसे आपके पास क्या स्पेस है किस तरीके से आप सोच रही हैं आपके उतने अच्छे बनेंगे। ठीक है? ओके यस सर। तो चलिए हमारा क्लास आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सर है ना। हाँ सर यस सर सर आपने बहुत कुछ बताया सर थैंक यू सर। यस सर थैंक यू सर। आज के लिए क्लास काफी रहा आप लोगों के लिए। हाँ एक कृष्ण राज को मैंने एक तरीके से नहीं कई तरीकों से बताया है है ना। तो कल्पना जी यस सर और वो नहीं है मनीषा जी नहीं
कैसा लग रहा है आपको क्लास? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ हम लोग का छूटा हुआ है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा। हो जाएगा मैनेज। आप लोग वीडियोस देखिए, बनाइए, जहाँ कहीं भी आपको मेरी जरूरत हो आप प्लीज मुझे बताना, आप उसको बना के मुझे भेजना। अगर कहीं भी ऐसा कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर ये वाला कृष्ण भगवान वाला फूल हैंडमेड सीट पे बना सकते हैं क्या? जी फूल हैंडमेड पे ही बनेगा। ओके सर, ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। फिर मनीषा जी भी बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है क्लास। चलिए थैंक यू। तो हम लोग क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को। यस सर, यस सर। वो फैब्रिक पेंटिंग के बारे में अंजना पूछ रही थी। हाँ, अंजना, अंजना मैम नहीं, अगर फैब्रिक करना है ना आप लोगों को, आप लोगों के पास फैब्रिक अवेलेबल है, ब्रश है, कलर है, तो हम लोग कोई बात नहीं, फ्राइडे को भी कर लेंगे, दो तीन क्लास कर लेंगे फैब्रिक के। क्योंकि देखिए थीम ना सिर्फ सोचने की है, अब जितना ज्यादा करेंगे आप सोचेंगे खुद। यस सर, जितना देखेंगे उतना सोचेंगे, इसने ऐसा किया है तो मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। बॉडी प्रोपोर्शन आप लोगों को पूरा पता है, बॉर्डर्स पते हैं, सजाने का तरीका पता है, बैकग्राउंड्स के टेक्सचर्स पते हैं, तो आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने यहाँ पे ये बनाया तो इसके पीछे अगर मैं घर बनाऊं, एक पेड़ बनाऊं तो कैसे बनाऊं, कितना बड़ा बनाऊं जो मेरा जगह एडजस्ट हो, ये सब सारा चीज वो कब आएगा, जब आप लोग ज्यादा करेंगे तो आएगा, ये कहने से नहीं आएगा। मैं अभी जो एक बना दे रहा हूँ आप लोग उसको सेम देख के बना ले रहे हैं, ये हुआ कॉपी वर्क। लेकिन कॉपी वर्क हुआ, कॉपी वर्क कहने का मतलब आपको पता है यहाँ पे ऐसे बॉडीज बनाने हैं, ऐसे घर बनाना है, ऐसे पेड़ बनाना है, लेकिन वही चीज जब आप अपने तरीके से कुछ अलग करेंगे, एक बार दो बार आपको लगेगा नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो आप जब ज्यादा करेंगे ना तो वो होगा। जरूरी नहीं है हमेशा कलरफुल ही ज्यादा करें, आप पेंसिल से कोई पेज पे भी बना के आप कर सकती हैं, सोच सकती हैं ये थी मैंने सोचा इसको कैसे एडजस्ट करें, इस तरीके से करें, पेंसिल से आप एक बार विजुअल कीजिए, ऐसे करें अच्छा दिखेगा या नहीं, ऐसे करें तो अच्छा लगेगा या नहीं, तो वो चीज आप जितना ज्यादा करेंगे ना आपके वो आप में वो चीज उतना आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे सभी लोग हैं अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, श्रुति जी भी, अंजना जी भी, सभी लोग, जैसे आरती पहले से भी अच्छा करती थी, उनको पहले से भी कुछ आता था या जो भी, लेकिन वो उनका आर्ट अच्छा होता था पहले से शुरू से ही। श्रुति का भी आर्ट बहुत अच्छा होता है, गणश्री मैम का भी आर्ट बहुत अच्छा होता है, बट कोमल का आर्ट बहुत अच्छा होता था, अभी इस बीच में कोमल का कुछ खराब हो चुका है। अब वो रीजन जो है उनकी हेल्थ इश्यूज है या ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है, जो हो, पहले से कोमल का आर्ट अभी थोड़ा सा, हाँ सर वो तो है, लेकिन इसमें एक लोग हैं जिनके इम्प्रूवमेंट से मुझे खुशी हो रही है, रूपा जी। जब रूपा जी जब शुरू शुरू में असाइनमेंट डालती थी तो मुझे लगता था इनमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अभी अगर एक एवरेज देखें तो रूपा जी का आर्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है रूपा जी ज्यादा कर रही हैं। रूपा जी प्रैक्टिस ज्यादा कर रही हैं, वो चीज दिख रहा है। थैंक यू सर। आप में तभी आएगा जब आप ज्यादा सोचेंगे, सोचेंगे कब, जब आप करेंगे तभी ना सोचेंगे। Yes, sir. मेरे माइंड में आता है अरे ये चीज ऐसे होना चाहिए था, मैं करके देखूं, एक न्यूज़पेपर ही है ना, मैं ऐसे खोल लेता हूं, अरे ये वाला मार्कर को मेरे घर में होता है, मैं ऐसे मार्कर उठाता हूं, सोचता हूं, जरूरी नहीं है इसके बॉडी प्रोपोर्शन अच्छे ही बना के देखूं, एक तरीका सोचता हूं इस तरीके से मैं बनाऊं, इसके पीछे ये घर बनाना चाहिए, इसके पीछे ये पेड़ होगा, अगर नदी दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊं, इस तरीके से दिखाऊं तो अच्छा दिखेगा, नहीं इस तरीके से दिखाता हूं तो अच्छा दिखेगा, तो वो सब चीज सोचिए। आप लोगों को सब कुछ आता है, आप लोगों को आर्ट करने आते हैं, अच्छे बॉडी लैंग्वेज बनाना आता है, आप लोगों को अच्छा सोचना आता है, बट आप लोग अच्छा करना नहीं आता है, आप लोग ज्यादा करते नहीं है। सपोज आप कृष्ण राशि अगर आप लोगों को मैं बोलूं 10 महिला बनाइए, उसके 10 तरीके होने चाहिए उसके डेकोरेशन के, तब आप लोग 10 बना के सबमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और सबसे ज्यादा डिजाइनिंग लोगों को क्यों आ जाता है? सर
उसके पीछे भी रीजन है। सबसे ज्यादा डिजाइनिंग लोगों को क्यों आता है, क्योंकि अगर वो, अगर मैं कोई भी थीम करूं उसमें 10 महिला, अगर 10 थीम मैंने आपको बताया तो 10 महिला आपको बताया बना के, तो आप 10 महिला में 10 तरह के डिजाइनिंग करेंगे, तो आपके पास डिजाइनिंग है, आपके पास डिजाइन आ गया, इसीलिए वो जल्दी आता है। इसीलिए बॉडी पोस्टर्स को लेके आप एक थीम क्रिएट कीजिए, ऐसे ही नॉर्मली न्यूज़पेपर पे ही, नॉर्मल पेपर पे ही, तो आपको वो बॉडी लैंग्वेज बनाने का तरीका आएगा, आपको डेकोरेशंस को आपको जगह एडजस्ट करने का तरीका आएगा, वो तभी आएगा। नहीं तो जब तक आप बोलेंगे मैं जो भी थीम करूंगा आप देख के बनाओगे, वो कॉपी वर्क है, क्योंकि आपको पता है यही जगह मुझे लेना है, यही जगह करना है, यही जगह। आज तक कभी किसी ने अभी तक ऐसा किया, मैंने जो भी बॉडी लैंग्वेज बताया पीछे, जो भी आपको बताया बॉडी लैंग्वेज आप लोग सेम रखते हैं, पीछे के बैकग्राउंड जो भी डिजाइनिंग है आप लोग चेंज करके डालती? नहीं, मैंने जिस तरीके घर बताया आपने उसी तरीके के घर को लिया और कॉपी पेस्ट किया, आपने उसमें कुछ अपना बनाया नहीं, अपना बनाइए। मैं बार बार बताता हूँ, आप भगवान सर को कॉपी कीजिए नहीं, आप भगवान सर को फॉलो कीजिए, कैसे काम कर रहे हैं उस चीज को देखिए। ओके, यस सर, आज का क्लास भी बहुत ज्यादा हुआ और आज के लिए क्लास भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है? यस सर, तो फ्राइडे को सर, मंडे को शुरू करेंगे सर फैब्रिक पेंट, प्लीज। क्यों, फ्राइडे को भी कर लीजिए, उसके बाद आपके आपके पास 3 दिनों का टाइम होगा, उस 3 दिन में आप लोग ज्यादा करके देखेंगे फैब्रिक पे कहाँ दिक्कतें होती हैं, क्या होता है, वो आप मंडे को आप मुझे बताना। ओके सर, ठीक है सर। सर अभी प्रैक्टिस के लिए जो एक्रिलिक पेंट है वो भी यूज करते हैं ना, टेम्पररीली यूज कर सकते हैं ना सर? किस पे, फैब्रिक पे? फैब्रिक पे कौन सा, आप कौन सा एक्रेलिक का यूज करती है मुझे दिखाइए। फैब्रिका, तो फैब्रिक का, जब फैब्रिक का एक्रेलिक कलर यूज करती है तो फैब्रिक के लिए ही तो है ना। ओके ओके सर, सर को दिखाइए सर को। सर फैब्रिक्रिल, फैब्रिक्रिल का जो है एक्रेलिक कलर उसको यूज कर सकते हैं क्या कपड़ों के लिए? हाँ ठीक है सर, वही तो है, यही तो है फैब्रिक कलर। हाँ ओके सर, ठीक है, यस सर, चलिए ओके बाय, क्लास में ऑफ करते हुए फिर हम लोग कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय सर, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।